हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में हमको सैलरी शीट बनाना तो कैसे बनाते हैं, क्योंकि बस हमको इस सैलरी शीट में ये देना है कि उसका टोटल कितना सैलरी है और इसके ऊपर बोनस और जो हम दें तो टोटल कितना सैलरी निकल के आए। जैसे हम कुछ डेटा पहले क्रिएट कर लेते हैं, पहले हमने अपना मेन हेडिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके क्या कर लेना होगा, मार्जिन सेंटर, और नाम इसका दे दिया क्या, सैलरी सी। इसके साइज के यहां से क्या कर लेंगे, इंक्रीज, बोल्ड, जो भी फॉर्मेटिंग करना हो अपने हिसाब से हम बेसिक फॉर्मेटिंग कर, क्लियर है ना। हाँ, जब यहाँ पे बॉर्डर में आप आएंगे ना, तो बॉर्डर देखिए नॉर्मल ऐसे आपको आउटसाइड बॉटम बॉर्डर लेफ्ट राइट ये बटन बॉर्डर दिखाई देगा, यहाँ पे ऑल बॉर्डर दिखाई देगा, बिल्कुल पतला पतला बॉर्डर लगा है ना। हम चाहते थोड़ा सा मोटा लगा सके तो आपको थिक बॉर्डर दिखाई दे, कौन सा ठीक, उससे कुछ मोटा हुआ है ना, थोड़ा सा थिक बॉर्डर रख लेंगे ताकि थोड़ा सा उससे मोटा दिखे, हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको डाटा टाइप करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक, सबसे पहले सीरियल नंबर, SR, सीरियल नंबर के पास क्या दे दिए, इम्प्लाई नेम, क्या दे दिए, इम्प्लाई, इम्प्लाई नेम के बाद से आगे हम इसका दे देंगे पोस्ट, होगा तो पोस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किस पोस्ट पे वो काम करो उसी के हिसाब से सैलरी होगा ना। हम अगला दे देंगे क्या, पोस्ट, यानी किस पोस्ट पे काम कर रहा है। दूसरा हम उसका ले लेंगे एड्रेस, क्या ले लिए, एड्रेस, एड्रेस के बाद हम उसका ले लिए जेंडर, क्या ले लिए, जेंडर, जेंडर के पास फिर क्या ले लेंगे, सैलरी, क्या ले लिए, सैलरी, सैलरी के पास अगला हम ले लिए बोनस, क्या ले लिए, अब बोनस के बाद हम आगे टाइप करेंगे टोटल सैलरी, इसके बाद क्या टाइप कर लेना है, टोटल सैलरी। और लगभग आप लोग ऑटो फिट करना पड़े हैं ना, सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, डबल, ध्यान रखिएगा ऑटो फिट करने का तीन तरीका होता है, कितना तरीका, तीन। पहला तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने वाले यहाँ लास्ट में क्या कर देंगे, डबल, कोई जरूरी नहीं लास्ट में ही करेंगे, जहां पे ये दो कॉलम मिल रहा होगा ना वहीं पर हम क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर, हो गया ऑटो फिट ना, क्योंकि जितना हमने टेक्स्ट लिखा था उसके अनुसार सारा क्या कर लिया, एडजस्ट। चलिए थोड़ा सा अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड, अब ये तो हमने बहुत सारा ट्राई कर लिया कैसे सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में जा क्या कर लेंगे, डबल क्लिक कर, हो जाएगा ना। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं, इसको किसी शॉर्टकट की के माध्यम से हम ऑटो फिट करना चाहते हैं, किसके माध्यम से, शॉर्टकट की, ध्यान रखिएगा उसके लिए हम लोग दबाते हैं पहले क्या, ऑल्ट, क्या दबाते हैं, ऑल्ट, ऑल्ट के साथ ही हम लोग दबाते हैं ओ, यानी कि ऑल्ट और वो दोनों एक साथ दबाना, हो जाएगा ना। जब ये दबा के छोड़ेंगे तब पहले हमको दबाना है सी, और सी दबाने के बाद फिर हम दबाएंगे ए, पहले ऑल्ट के साथ क्या दबाना है ओ, उसके बाद से सी और उसके बाद से, यानी कि चारों एक साथ नहीं लेना है, बस ये दो एक साथ लेना है, जब ये दोनों प्रेस करके छोड़ देंगे तब फिर हम क्या दबाएंगे सी, उसके बाद से डी, हो जाएगा ना। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा हमको यही ऑटो फिट करना है कंटेंट ना, इसको क्या कर लिए, कीबोर्ड से हम प्रेस कर दिए अल्ट ओ सी ए, ऑटो फिट हुआ, दिख रहा है ना, यानी कि अब हमको यहाँ पे आके डबल क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं, जितना डेटा आपको ऑटो फिट करना उतना पहले क्या कर लीजिए सेलेक्ट, कौन सा बटन दबाना होगा, ऑल्ट के साथ ओ सी ए, नोट कर लिए इसको, ऑटो फिट करने का शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस ओ सी ए, ऑल्ट के साथ ओ, फिर क्या करना है सी और उसके बाद से ए, ऑल्ट के साथ ओ फिर सी ए, चलो भैया हो जाएगा। चलिए अब ये किसके लिए, ऑटो फिट, कितना तरीका हो गया, दो, हमने तीन तरीका बताया था ना। चलिए थोड़ा सा कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं, ऐसे डेटा है, तीसरा तरीका ध्यान रखिएगा, जो तीसरा तरीका हम अप्लाई करते हैं उससे पूरा सीट हमारा ऑटो फिट हो जाता है, क्योंकि कॉलम की संख्या कितना होता है, कॉलम की संख्या सबसे पहली क्लास आप लोग पढ़े होंगे, टोटल कॉलम की संख्या नोट किया आप लोग ना,
16384 कितना होता है? 16384 ये किसकी संख्या है? कॉलम की। और वो की संख्या है 10,48,500। यानी कि जितना, यानी कि टोटल कॉलम और टोटल रो क्या हो जाएगा? 8 फीट हो जाएगा। तीसरे तरीके से उसके लिए करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जिस सीट पे 8 फीट करना होगा ना, उसी सीट पे आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, उसी सीट पे क्या करना होगा। अब देखिए हम ये इस वाले सीट पे है ना, तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे, किसी और पे राइट क्लिक नहीं करेंगे। आ रहा समझे ना? हम इसी सीट पे क्या कर दिए राइट, क्योंकि तो हमको इसी कांटो फिट करना है। फिर हम कहाँ जाएंगे? व्यू कोड। कहाँ जाना होगा? व्यू कोड। और जब व्यू कोड में आएंगे ना, तो कुछ आपको ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, कहाँ से हम आए हैं ये लेके, तो जिस सीट पे करना उस पर क्या करेंगे राइट। फिर कहाँ जाएंगे? व्यू। आपको एक पेज दिखाई दे रहा है ना, ध्यान रखिएगा, जो आपको जनरल लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो जनरल को हटा लेना है, और आपको यहाँ से क्या रखना है, वर्कशीट रखना है। जनरल को हटा क्या रखना है, वर्कशीट। और एक छोटा सा आपको कंटेंट टाइप कर देना है, क्या? ध्यान से देखिएगा, हमको एक यहाँ पे कंडीशन कंटेंट दे देना है, सेल्स। क्या दे देना है? सेल्स। यानी कि जितना सेल होगा क्या करना है, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम। क्या देना है? इंटायर। अब अगर जो चाहे सेल हो और चाहे इंटायर कोई कॉलम हो, तो क्या करना है उसको, हम देंगे डॉट 8 फिट। उसको क्या कर लेना है? 8 फिट कर लेना। यानी कि सेल्स और इंटायर कॉलम को हमको क्या कर लेना है? 8 फिट कर लेना। हो जाएगा ना? इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, यहां से सीट को क्लोज नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, बल्कि यहाँ ऊपर से क्लोज करना है। दिख रहा है ना? क्लोज करेंगे। अब देखिए, जैसे एक बार सीट पे क्लिक करेंगे, अपने आप सारा 8 फिट हो गए। 8 फिट करने नहीं गए हैं। अब इससे बेनिफिट पता है क्या मिलेगा, अगर जो आप कहीं भी एक, अगर सिर्फ छोटा सा कोई डेटा लिख एंटर करेंगे ना, देखिए उसके अनुसार अपने आप से एडजस्ट कर लेगा, हो गया। और एक बड़ा सा कोई कंटेंट लिखेंगे ना, उसके अनुसार सारा एडजस्ट कर लेगा, देखिए हो गया ना। अब आपको ऐसे बार बार सेलेक्ट करके, डबल क्लिक करके, या फिर शॉर्टकट की लेने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा ना। ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमने किसका यूज किया है, तो सीट पे पहले क्या किए हैं, राइट क्लिक करने से कहाँ गए, व्यू कोड में जाने वाले जो जनरल था उसको हटा हम क्या कर दिए, और यहाँ पे कोड टाइप कर लिए, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो। हो जाएगा, ये टाइप करने बाद हम पूरे सीट को यहाँ से क्या कर दिए, क्लोज। अब कहीं भी और हम कोई डेटा टाइप करेंगे, अगर जो छोटा सा कोई डेटा लिखे, तो उसी के अनुसार एडजस्ट कर लेगा, हो गया। यानी कि हमको बार बार यहाँ पे डबल क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, अब हमने क्या दिया यहाँ पे, ऐसे अपना हेडिंग टाइप कर ली, जो भी हेडिंग हुआ। हमको क्या देना है, सीरियल नंबर, एम्प्लाई नेम, उन सब का पोस्ट देना है, फिर क्या देना है, एड्रेस, और फिर टाइप करना है जेट। तो सीरियल नंबर देने के लिए आप लोग पता होगा ना कि 1 करेंगे, और फिर नीचे क्या करेंगे, 2, दोनों को करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ नीचे से क्या कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, इसका एक और तरीका है, काफी लोग पता है क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 1 2, यहाँ क्या लिख दिए, 1 और 2 दोनों लिख लेंगे, लेकिन सिर्फ 1 को सेलेक्ट करके ड्रा करेंगे, 2 को नहीं सेलेक्ट करते, वहां पे सिर्फ क्या आता है, 1। ऐसा कई लोगों के साथ होता है ना, शुरू में आप लोग भी जब गए होंगे एक्सेल पे काम करने ना, ऐसा ही हो रहा होगा, सिर्फ आप 1 2 लिख तो रहे होंगे, लेकिन सिर्फ 1 को सेलेक्ट कर जब ड्रा कर रहे होंगे, सिर्फ क्या आ रहा होगा, 1। ये भी तरीका है, यदि आपने सिर्फ 1 लिखा है ना, सिर्फ क्या लिखे हैं, 1, तो भी आप ड्रा कर सकते हैं सीरियल नंबर। लेकिन हाँ, उसके लिए किसका यूज करना होगा, कंट्रोल का। कंट्रोल दबाए रखिए, और यहां से क्या कर लीजिए, ड्रा कर, हो जाएगा। चलिए, अब हमको इम्प्लाई नेम देना है, इम्प्लाई नेम हम क्या करते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सही रहेगा ना, यहां से कर लिए कॉपी, और अपने सीट पे लाके क्या कर लिए, पेस्ट। आप लोग टाइप कर लीजिएगा, या पहले से आप लोग बनाए होंगे, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। इसके आगे हमको क्या देना है, पोस्ट। कोई हो सकता है इंजीनियर के पोस्ट पे काम कर रहा है, कोई सुपरवाइजर है, तो कोई लेबर है, तो कोई चेयरमैन है, जो भी होगा, हम यहाँ पे पोस्ट क्या करते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे,
से फॉर एग्जांपल हम दो तीन यहाँ पे पोस्ट टाइप कर दे रहे हैं, उसका कर दे किसका, सुपरवाइजर, एक और किसका, लेबर। अब ये तीनों सेले करके हम ड्रा कर लिए कहाँ तक, नीचे तक निकल जाएगा ऐसे ना, कोई दिक्कत इसमें। अब हमको एड्रेस देना है, क्या देना है, एड्रेस। चलो एड्रेस टाइप कर लिया, इसमें नहीं है तो जैसे हम किसी के दिए क्या, पडरौना, फिर किसी के दिए क्या, कुशीनगर, इसमें से किसी का नाम तो है नहीं, अजय इसमें से किसी का नाम, चलिए बस ये तीनों नाम सेलेक्ट करके हम ड्रा कर लिए कहाँ तक, नीचे तक हो जाएगा। हमको जेंडर देना है, तो जेंडर लगभग इसी के हिसाब से टाइप किया गया है ना, जो मेल है वो मेल और जो फीमेल है वो फीमेल, उसी पैटर्न में हम यहाँ रहने दिए, जो मेल है वो मेल और जो फीमेल है वो फीमेल। वही है ना, अब सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम काम करते हैं, इसको कर देते हैं ऑल बॉर्डर, यहाँ से क्या कर लेंगे, ऑल बॉर्डर हो जाएगा। अब आगे हमको यहाँ पे सैलरी टाइप करना है, क्या टाइप करना है, सैलरी, किसका कितना सैलरी है, फिर हमको बोनस देना है, और बोनस पास क्या निकालना है, टोटल सैलरी। अब आप बताइए, आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे रैंड बिटवीन, पढ़े आप लोग ने रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन पहले ही पढ़ा जाता है स्टूडेंट मार्कशीट में नंबर टाइप करने के लिए, बताया तो जरूर होंगे, नहीं सर नहीं बताया मुझे काम। नंबर ये टाइप किए थे ऐसे मैनुअली, हाँ समझ लीजिए रैंड बिटवीन क्या होता है। जैसे अगर जो किसी का ही हमको रैंडम नंबर देना है ना, सपोज करिए अभी हमको प्रैक्टिकल करना है और सबका नंबर लिखते चले जाएंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा ना, लेकिन एक फार्मूला आता है, जैसे आप लोग एमएस वर्ड में इक्वल टू रैंड यूज कर रहे हो, इक्वल टू रैंड यूज कर रहे थे तो कुछ उस पे ऑटोमेटिक कुछ पैराग्राफ आ जा रहा था जिसमें अपना प्रैक्टिस आसानी से कर पा रहे थे, हो जा रहा था ना। सेम उसी प्रकार जब हम एक्सेल में आएंगे ना, तो रैंड बिटवीन फार्मूला आता है कि आप दो नंबर के बीच का ना जो भी नंबर हो आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हम यहाँ पे वही फार्मूला यूज कर ले रहे हैं, इक्वल टू कौन सा, रैंड बिटवीन, क्या लिखेंगे, इक्वल टू रैंड बिटवीन, ये रैंडम नंबर लाने के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आया समझ में ना, हमने लिया क्या रैंड बिटवीन, दे रहा है बॉटम और उसके दे रहा है टॉप, बॉटम का मतलब आपको कितना नीचे से नंबर चाहिए और टॉप का मतलब कहाँ तक आपको नंबर चाहिए। जैसे हम ये कहें आपको 10 नंबर से लेकर के 50 तक नंबर चाहिए, तो बॉटम वाला कितना हो गया 10 और टॉप वाला कितना हो गया 50। हाँ उल्टा करेंगे तो नहीं आएगा, बॉटम हम कर दे कितना 50 और टॉप पे कर दे कितना 10, तो नहीं आएगा, यानी कि टॉप में क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए और बॉटम में नंबर कम होना चाहिए। उसी के पैटर्न पे हम यहाँ दे दिए, किसी का सैलरी 10,000 होगा तो किसी का 20,000 होगा, तो 10,000 से लेके कहाँ तक 20,000 के बीच, तो पहले हम दे देंगे कितना 10,000, पहले कितना दे दिए 10, फिर कॉमा करेंगे और दे दिए फिर आगे कितना 20,000, अगला कितना दे दिए 20,000, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इंटर, हो जाएगा ना। सिर्फ किसका इस्तेमाल किए हैं, रैंड बिटवीन, और दे दिए 10,000 से लेकर के कहाँ तक आना चाहिए नंबर 20,000, ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर लिए, आपको एक नंबर दिख रहा है ना, कितना है 10,000 सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रा कर लीजिए नीचे की तरफ, आ गया सबका, देखिए किसी का सेम नहीं आया होगा, सबका अलग अलग आया हुआ है। और यदि आप यही नंबर लिख लीजिए ऐसे मैनुअली, हम टाइप कर दिए 10,221, और ये हम ड्रा कर लें नीचे, देखिए सबका सेम ही आएगा, सबका सेम आया है ना, लेकिन हम फार्मूले का यूज किया तो सबका अलग अलग आया है, हो जाएगा ना। यदि आप नहीं ला पा रहे फिलहाल वैसे टाइप कर लीजिएगा कि सबसे पहले जो है उसका सैलरी कितना है 10,000 है, उसके नीचे 12,000 है, उसके नीचे फिर कितना है 16,000 है, आ रहा समझे ना, मैनुअली टाइप भी कर सकते, लेकिन हमको लग रहा है नहीं टाइप करने में ज्यादा समय लग रहा है और हमको प्रैक्टिकल ही करना है, हम किसका यूज कर लेंगे फिर, रैंड बिटवीन। हाँ लेकिन रैंड बिटवीन से जो आता है ना उसमें एक प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम, तो देखिएगा इक्वल टू किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम,
रैंडम नंबर ले लिया कहां से, 10,000, कहां तक, 20,000। इसको सले करके ड्रा कर लिए कहां तक, नीचे। ऊपर अभी कितना दे रहा है, 15,464 दे रहा है ना, चेंज हो रहा है, हो रहा है चेंज ना, बस यही समस्या होती है इस। हाँ लेकिन इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं कि ये वैल्यू चेंज ना हो, उसके लिए बस सिंपल आप लोग कॉपी करना जानते हैं ना, तो नंबर को सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे यहाँ से, कॉपी, क्या करेंगे कॉपी, और इसी नंबर पे राइट क्लिक करना, कहीं बाहर नहीं, इसी नंबर पे जब राइट क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 1 2 3, यानी कि वैल्यू, क्या दिखाई देगा, वैल्यू, क्लिक कर देंगे, अब ये चेंज नहीं होगा, अब हो रहा है चेंज, देखिए थोड़ा सा कंट्रोल जेड करके वापस आ रहा है, और जब हम यहाँ पे कर्सर रखे हैं, और चलिए दोबारा से लगाते हैं, अंडू नहीं होने दे रहा, यहाँ पे लिख दे इक्वल टू रैंड बिटवीन कितना, 10,000 कॉमा फिर कितना, 20,000, सले करके ड्रा कर ली नीचे, और जब हम यहाँ नंबर लिखे हैं क्लिक करें तो फार्मूला बार में क्या दिखाई दे रहा है, वही नंबर दिख रहा है ना, लेकिन ये नंबर है क्लिक करें तो फिर क्या दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला हटाना होगा ना, उसी के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और पहले क्या कर ले रहे हैं कॉपी, और वैल्यू ला क्या कर ले रहे हैं बस, अब देखिए अब नंबर है तो नंबर दिख रहा है, तो जब तक वो फार्मूला में रहेगा तब तक वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, और जब ये वैल्यू में आ जाएगा तब ये चेंज नहीं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब बारी आती है हम लोग को क्या करना है, बोनस देना है, क्या देना है, बोनस क्या देना है कि जितने इसमें क्या होंगे, मेल होंगे, जितने भी क्या होंगे उनको देना है कितना, 1,200, उनको बोनस कितना देना है, 1,200, और जितने फीमेल होंगे, जितने क्या होंगे फीमेल, उनको देना है 1,000, सही रहेगा ना, मेल का बोनस अधिक और फीमेल का बोनस क्या है कम, चलेगा ना जी। हाँ चलिए अब ध्यान दीजिए, हमको करना क्या है, यही बोनस हमको इसमें निकालना है ना, हम एक्सेल को ये बताएंगे ना कि यहाँ अगर जो मेल रहेगा तो उसका कितना हो जाना चाहिए, 1,200, और यहाँ फीमेल इसका क्या हो जाना चाहिए, 1,000, तो ये हम खुद से वो देखते रह जाएंगे, टाइप करते हैं ज्यादा समय लगेगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा वही कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि यदि मेल हो, यदि क्या हो, मेल हो तो 1,200, और यदि फीमेल हो तो 1,000, यही है ना कंडीशन, यहाँ भी है, तो यहाँ भी सेम उसी फार्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू इफ, यदि ये लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, बराबर, अब ध्यान रखिएगा बराबर होता है कितना, किसके, मेल के ना, तो मेल लिखना है तो डबल इनोट कॉम लिखेंगे क्या, मेल, क्या लिखेंगे, बराबर होता है किसके, मेल, अगर जो इस सेल में जहां मेल होगा वहां करना है कॉमा, और डबल इनोट कॉम क्या, 1,200, डबल इनोट कॉमा क्या कर लेंगे, हो जाएगा कॉमा, अगर जो ये वैल्यू ट्रू होता है, ध्यान रखिएगा हमने दे दिया कि अगर जो इस वाले सेल में जहां मेल होगा वहां पे क्या दे देना है, 1,200, और ये वैल्यू फाल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, तब क्या देना है, हम कॉमा करेंगे और डबल इनकम हम दे देंगे कितना, 1, डबल कॉमा करेंगे क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और देखिए मेल है तो कितना आ गया है, 1,200, ड्रा कर लीजिए नीचे की तरफ, यहाँ फीमेल है, फीमेल है इसमें ना, कितना आया है, 1,000, उसके नीचे ये फीमेल है कितना आया है, 1,000, उसके नीचे यहाँ भी फीमेल है कितना आया है, 1,000, हो सकता है कहीं यहाँ भी हम कहीं फीमेल कर देते हैं, मेल लिखा है ना, इसी को हम बना दिए क्या फीमेल, हाँ सिर्फ जेंडर यहाँ से चेंज कर दे रहा है, देखिए अपने आप कितना हो गया, 1,000, क्योंकि अब वो समझ गया यहाँ पे कि सेल में फीमेल लिखा है तो फीमेल को कितना देना है, 1,000, और अगर यहाँ पे अगर हम मेल कर दें तो मेल को कितना देगा ये, 1,200, हो जाएगा ना, और टोटल सैलरी देना तो बस सिंपल है, इसको और इसको जोड़ लीजिए, इक्वल टू करिए इसको सेलेक्ट करके प्लस और इसको सेलेक्ट करके,
निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर फार्मूला बता देते हैं। ये दोनों है लिख लीजिए, एक नंबर के लिए और दूसरा किसके लिए? बोनस के लिए। और टोटल सैलरी और बस बताइए, सेलेक्ट क्या करेंगे? सैलरी प्लस सेलेक्ट बोनस। नोट कर ली सभी लोग? हो गया जी। जी चलिए तो आज आप ये लगाइए, सैलरी शीट बनाइए, बन जाएगा ना। हाँ, इस और ध्यान दीजिएगा, जो हमने यहाँ फार्मूला में मेल को 1200 दिया है और फीमेल को कितना दिया है? 1000। तो कोई जरूरी नहीं हम यही दे सकते हैं, वो आपको जो देना होगा ना वो यहाँ डबल इनवर्टेड कॉमा के जब हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, हो जाएगा ना। जैसे आपको लग रहा है कि हमको क्या करना है कि जब भी हम ये निकाल रहे हैं ना, तो जहां मेल होगा ना उसको क्या करना है, बाइक देना है, और जहां पे फीमेल उसको क्या देना है, कार देना, तो वो टाइप कर सकते हैं, हो जाएगा ना। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेल को दे सकते हैं बाइक और फीमेल को दे सकते हैं यहाँ से कार, हो जाएगा। तो आज आप ये ट्राई करिए लोग।